हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर डूइंग फाइन। सो एज़ यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज पार्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल हेयर टू गो होम। द चैप्टर इज पोएट्स एंड पैनकेक्स हैं, ठीक है। जो पोएट चैप्टर राइटर जो है, सॉरी, वो यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो है उसका डिस्कस कर रहा है कि उस टाइम पर जो जेमिनी स्टूडियो एक बहुत फेमस होता था, ठीक है, अपने टाइम पीरियड में ये, और तो वहाँ पर कौन कौन लोग थे, कैसे काम करते थे, उसके बारे में राइटर यहाँ पर बता रहा है। तो राइटर का जो काम था जेमिनी स्टूडियो में वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ उसको जस्ट न्यूज़पेपर कटिंग्स करके पेस्ट करनी होती थी, एक फाइल बनानी होती थी। तो आगे देखिए क्या है। जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज द फेवरेट हंट ऑफ पोएट्स लाइक SDS योगियर, संगो सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। कहता है आगे राइटर कि जेमिनी स्टूडियो जो था वो बहुत सारे पोएट्स लाइक SDS योगियर, संगो सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ, इन सब का एक फेवरेट हॉन्ट प्लेस, यानी कि फेवरेट जगह होती थी। यहाँ पर बहुत सारे पोएट्स यहाँ पर आते थे। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे। एंड जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक बहुत अच्छी मैस भी थी जो कि बहुत अच्छी कॉफ़ी वहाँ पर बनाई जाती थी। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, लगभग रात को भी वहाँ पर कॉफ़ी सर्व की जाती थी लोगों को, रात में के टाइम भी वो मैस ओपन रहती थी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। क्या कहते हैं, दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन, कि उन दिनों कांग्रेस ने जो था प्रोहिबिशन लगा दिया था, मनाही लगाई थी भी किस चीज़ पर, मीटिंग के ऊपर, मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी, कि भैया आप सिर्फ कप ऑफ कॉफ़ी के लिए कहीं बाहर मिल नहीं सकते हैं। यानी कि वहाँ पर कोई भाई कुछ हुआ वो उस टाइम पर, कुछ टाइम तो उस टाइम पर क्या था, प्रोहिबिशन लगा हुआ था हर एक चीज़ पर, बाहर जाने वगैरह पर। वो जो रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, तो अब भाई उनको जेमिनी स्टूडियो के अंदर वो कप ऑफ कॉफ़ी मिल रहा था एंड देवर सेटिस्फाई, और साथ साथ उनका इंटरटेनमेंट भी हो रहा था। बेयरिंग द ऑफिस बॉयज़ एंड ए कपल ऑफ कलर्क्स, everybody else at the studios radiated laser pre-request for poetry। क्या कहते हैं कि भाई जितने भी स्टूडियोज के अंदर काम करने वाले लोग थे वो पोइट्री के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि भाई उनको पोइट्री सुनाया जाए, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे कलर्क वगैरह या ऑफिस बॉय इनको छोड़कर। मोस्ट ऑफ देम वर खादी एंड वर्शिप गांधी जी। जेमिनी स्टूडियो के बहुत मोस्टली लोग खादी पहनते थे और गांधी जी को फॉलो करते थे, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिशिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। लेकिन इसके बावजूद भी, बियॉन्ड दैट का मतलब ये है कि दैट दे यूज टू वेयर खादी एंड दे यूज टू वर्शिप गांधी जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भी वो पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो पॉलिटिक्स है उसको अप्रिशिएट करते हैं। नेचुरली देवर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। वो सब जो जेमिनी स्टूडियो के जितने भी लोग थे वो जो कम्युनिज्म वर्ड था, जो था यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके अगेंस्ट में थे, उसके अपोजिट में थे इस कम्युनिज्म के संगठन के। ए कम्युनिस्ट वॉज ए गॉड लेस मैन, he had no filial or conjugal love, he had no compunction about killing his own partner, parents or his children। उनके अकॉर्डिंग भी जो कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं वो गॉडलेस आदमी होते हैं, मतलब दे डो नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ गॉड या मशीन में। कहते हैं कि वो सिर्फ अपने खुद के पेरेंट्स को भी किल कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी किल कर सकते हैं, उनके अंदर कोई प्यार की जैसी फीलिंग्स नहीं होती। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कोज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल।
ये जो कम्युनिस्ट जो लोग थे वो हमेशा क्या करते थे, लोगों के बीच में वॉयलेंस फैलाने का काम करते थे, इनोसेंट एंड इग्नोरेंट लोगों को हार्म पहुंचाते थे। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट रेगुली अमंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर, कहते हैं कि भाई जैसा कि साउथ इंडिया की हर एक पार्ट में फैला हुआ था, साउथ इंडिया की हर जगह पर जो एक नोशन, ये कह सकते हैं कि एक ट्रेंड सा चला हुआ था खादी वगैरह पहनने का, गांधी जी को फॉलो करने का, तो वही चीज़ जेमिनी स्टूडियो के अंदर भी थी। एंड एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फॉर्थ कमिंग, और इस चीज़ के सबूत जो थे वो जल्दी सामने आने वाले थे। वैन फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल री आर्मेंट आर्मी सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास सम टाइम इन 1952, दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया दैन द जेमिनी स्टूडियोज। 1952 में फ्रैंक बुचमैन्स जो थे वो यहाँ पर आए, तो क्या कहते हैं कि राइटर कहता है कि भाई उन्हें जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा वार्मर, जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा होस्टेबल होस्ट पूरे इंडिया में नहीं मिला था। मतलब यहाँ पर उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने इंटरनेशनल जो सर्कस था उसका ग्रुप को इनवाइट किया। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। एंड जो ग्रुप वहाँ पर इन्वाइट किया गया था, कहते हैं कि राइटर की दे वर नॉट सो मच प्रोफेशनल इन देयर बिजनेस, अपने काम में वो ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन उन्होंने दो प्ले प्रेजेंट की वो भी बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से, यानी कि बहुत इन अ वेरी गुड मैनर। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास। उनके जो प्ले थे ये उनमें से एक था जोथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, इसके बहुत सारे शोज मद्रास में चले। एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सो द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन। क्या कहते हैं कि और बाकी के लोगों की तरह, बाकी के सिटीजन्स की तरह जेमिनी फैमिली जो थी उन्होंने, जो कि इट वॉज़ ऑफ 600 पीपल, 600 लोगों का ये एक ग्रुप था, एक परिवार था, उन्होंने भी इन प्ले को बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजअली प्लेन एंड सिंपल होमलेज, कि जो मैसेज दे वॉन्ट टू कन्वे बाय देर प्ले वो बहुत ही सिंपल प्लेन थे, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन उनका जो सेट होता था, यानी कि जिस प्ले का जो सेट होता था, जो सीन दिखाए जाते थे, एंड जो कॉस्ट्यूम्स जो उनके हीरो एंड हीरोइन पहनते थे, देवर फर्स्ट रेट, यानी कि वो बहुत ही अच्छे होते थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। क्या कहते हैं कि भाई मद्रास और तमिल जो ड्रामा कम्युनिटी थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि फॉर द सम ईयर्स, कुछ सालों तक तमिल के जितने भी प्ले होते थे उनके अंदर सनराइज एंड सनसेट का सीन दिखाया जाता था इन द सेम मैनर एज इट वॉज शोन इन जोथम वैली विद ए बियर स्टेज ए वाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। और वो सीन किस तरीके से होता था कि बेयर स्टेज होता था, मीन्स देर वॉज नो वन एट द स्टेज, ए वाइट बैकग्राउंड होता था, कर्टेन यानी कि जो कर्टेन थे वो वाइट कलर के, एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और एक फ्लूट के ऊपर, बांसुरी के ऊपर एक ट्यून बजाई जाती थी। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Wasson simply played into their hands.
एमआरए जो है वो जो ये काउंटर मूवमेंट थी, मतलब एमआरए के लिए। और मिस्टर वसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स कि भाई जो काइंड इंटरनेशनल कम्युनिज्म के लिए एंड जो बिग बॉसेस ऑफ मद्रास, यानी कि जो भाई हम कह सकते हैं फेमस पर्सन ऑफ मद्रास के जो थे वहाँ पर, उनके लिए ये काफ़ी काउंटर मूवमेंट हो रहा है कि तरह की स्पेशल टाइम वो उनके लोगों के लिए रहा था ये। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम। एमआरए और नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। देखिए आगे क्या कहता है। आई एम नॉट श्योर दैट दिस वॉज इंडीड द केस कि वास्तव में यही एक केस था कि बिफोर द अनचेंजल एस्पेक्ट्स, अनचेंजेबल मीन्स कि जो ना चेंज होने वाले पहलू जो थे इन बिग बॉसेस के, ठीक है, या फिर जो एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम। एंटरप्राइजेज मीन्स कि जो आपकी मूवीज़ वगैरह या थिएटर वगैरह को एंटरप्राइज करते हैं। एमआरए और नो एमआरए होगा वहाँ पर, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिज्म या फिर नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म को वो सपोर्ट करें या उनके पहलुओं को समझने की कोशिश कर सकते हैं। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज़ कि भाई जेमिनी स्टूडियो को बहुत अच्छा टाइम भी रहा है। कब? जब उन्होंने लगभग 20 नेशंस के राष्ट्र के लोगों का कि भी स्वागत किया है, वेलकम किया है, यानी कि वो बहुत अच्छा होस्ट भी रहा है अपने टाइम पे। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द अनयूजल यूजल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं, इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स कि भाई अब चेंज जो उनके जमने स्टूडियो के अंदर आ गए थे वो बता रहा है कि वह मेकअप रूम के अंदर, मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो प्लेयर्स होते थे क्राउड में, भीड़ में, वो अपने टर्न का इंतज़ार करते रहते थे स्लैब्ड विथ थिक लेयर्स, और उनको एक मेकअप की थिक लेयर, मोटी परत उनके ऊपर लगाई जाती थी। ए फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइंस ऑफ द बिग बॉसेस सॉरी बर्स्ट एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियोज क्लियर्ड ए वॉल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। और भाई कुछ महीने के बाद जब जब वैसे जो जेमिनी स्टूडियो था वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है, तो फिर कुछ महीने के बाद क्या था कि टेलीफोन लाइन्स फिर से बजी, या यूँ कह सकते हैं कि बिग बॉस की तरफ से उन्हें कॉल मिलता है फिर से कि एक बार फिर से जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए वॉल शूटिंग स्टेजेस टू वेलकम अनदर विजिटर की मीन्स कि जेमिनी स्टूडियो के जो रास्ते हैं वो क्लियर हैं, ये साफ हैं कि भाई जेमिनी स्टूडियो एक बार फिर से नए विजिटर का वेट कर रहा है। ऑल दे सैड वॉज दैट ही वॉज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि भाई वो एक पोएट है एंड दैट ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हियर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। क्या कहते हैं कि भाई सिर्फ इंग्लैंड के जितने भाई एक सिर्फ जिस पोएट के बारे में उन्होंने सुना था वो था वर्ड्सवर्थ या फिर टेनिसन। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ किट्स और जो और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो भाई किट्स के बारे में जानते थे, शेली एंड बायरन के बारे में जानते थे, एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम ऑफ इलियट, और मे बी एक आधे ही लोग ही भाई जो इलियट जो पोएट था उसके बारे में शायद ही जानते हो। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ, अब कौन सा पोएट है भाई जो जेमिनी स्टूडियो विजिट करने के लिए आ रहा है। ही इज़ नॉट अ पोएट, ही इज़ एन एडिटर। तो क्या बताया जाता है कि भाई वो कोई पोएट नहीं बल्कि क्या है, एक एडिटर है। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम बिग रिसेप्शन, और यही रीज़न है
कि जो बॉस जो है वो उसको एक अच्छा रिसेप्शन दे रहा है। वॉसन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली अनादा विकटन विकेतन। जो वसन जो था वो भी एक एडिटर था तमिल का, तमिल वीकली मैगजीन थी अनादा विकटन उसका। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास। लेकिन वो जो था वो मद्रास के अंदर कोई जो फेमस ब्रिटिश पब्लिकेशंस थी उसके अंदर वो एडिटर नहीं था। दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियोज। और यही रीजन था कि दोज नोन एट जेमिनी स्टूडियोज, वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जाना गया। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ ए डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन ऑफ और द लंडन टाइम्स। राइटर क्या कहते हैं, सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, कि द हिंदू जो हमारा न्यूज़पेपर था वहाँ से जो टॉप मैन थे वो इनिशिएटिव यानी कि एक स्टार्टिंग कदम ले रहे थे। द सरमाइज देयर वाज दैट, सरमाइज मीन्स कि अनुमान लगाना, गैस करना। द पोएट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली, कि जो पोएट जो वहाँ पर आ रहा है वो किसी डेली न्यूज़पेपर बट का है बट नॉट फ्रॉम बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स, कि भी किसी डेली न्यूज़पेपर या मैगजीन से बिलोंग करता है लेकिन किसी द मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स से नहीं है। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। और सिर्फ यही था जो भाई जो मोस्ट इन्फॉर्मेशन जिसके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है उनको भी सिर्फ इतना ही उसके बारे में पता था, उस पोएट के बारे में। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव्ड। और लगभग 4 बजे दोपहर को वो जो पोएट था या जो एडिटर था वो आता है। ही वॉज ए टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। एक लंबा आदमी था, अंग्रेज था और काफ़ी सीरियस और हम सब के लिए वो अननोन था। Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting says, the boss read out a long speech. भी जो बॉस जी जो था उसने एक बड़ी सी स्पीच पढ़ी उसके लिए। It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. And इससे it was very clear कि भी जो है बॉस जो था he also knew very little about that poet or editor. The speech was all in most general terms, but there, here and there, it was peppered with words like freedom and democracy. काफ़ी जनरल टर्म्स यानी कि काफ़ी नॉर्मल बातें उसके अंदर की गई थी, लेकिन इधर उधर काफ़ी बार उसके अंदर जो वर्ड्स बोले गए थे दैट वर फ्रीडम और डेमोक्रेसी के बारे में। देन द पोएट स्पोक, फिर उसके बाद जो पोएट जो था या जो एडिटर था वो बोला, ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। No one knew what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. कहते हैं कि when he was addressing the people, the persons, the Gemini studios, then there was no one who could understand him. Means उसको कोई भी नहीं समझ पाया कि वो क्या बोल रहा था, जो उसका accent जो था उसकी वजह से it was very कह सकते हैं difficult to understand, कि उसको किसी को भी समझ में नहीं आया जो वो बोल रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, देन द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बेफलमेंट। भी होल थिंग जो है लास्टेड लगभग 1 घंटे तक ये सब चीज़ें चली, उसके बाद जो पोएट था वो चला गया और हम सब डिस्पर्स मीन्स कि इधर उधर अपने अपने कामों में लगे। वट आर वी डूइंग, वट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट शॉट ऑफ पीपल। कहते हैं कि भाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और एक अंग्रेज़ पोएट इस तमिल फिल्म स्टूडियो के अंदर क्या कर रहा है, जो कि सिर्फ क्या करता है, छोटी मोटी फिल्में छोटे से लोगों के लिए, साधारण से तमिल लोगों के लिए बनाता है। पीपल हुज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, कि भी मतलब उन लोगों के लिए इंग्लिश पोएट्री जो है वो इज़ नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल। सो द पोएट लुक्ड
प्रेटी बेफल्ड टू। बेफल्ड मीन्स होता है कि घबराया हुआ, यूँ कह सकते हैं कि विचलित एक तरीके से, या बौखलाया हुआ लगता है। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवियल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। कि भाई क्योंकि अब वो भी उस इंग्लिश पोएट की वजह से कहीं ना कहीं ही वॉज ऑल्सो स्केयर्ड सम एट सम पॉइंट। हिज विजिट रिमेन्ड अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। उसकी जो विजिट थी वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री रह जाती है, मतलब एक रहस्य बन जाता है कि किसी को भी समझ में नहीं आता कि दैट व्हाई डिड ही कम हियर, वो यहाँ पर क्यों आया। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शंस ग्रोज स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परसुएट ऑफ ए जीनियस। कि भी जो प्रोज राइटर जो हैं वर्ल्ड के, वो शायद इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे, कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, बट माई कन्विक्शंस ग्रो स्ट्रोंगर। लेकिन उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डे बाई डे स्ट्रोंगर होता जा रहा है। क्या लेकर? कि जो प्रोज राइटिंग जो है वो ट्रू परसुएट ऑफ ए जीनियस, किसी भी जीनियस व्यक्ति का एक परसुएट नहीं हो सकता, एक साधन नहीं हो सकता। इट इज़ फॉर द पेशेंट परसिस्टेंट प्रिजर्विंग ड्रग्स विद ए हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन एन थिंग टू हिम। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड इट टू ऑन अनदर एडिटर इनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर राइटर, कि प्रोज लिखने का जो काम है, जैसे भी कोई व्यक्ति बिल्कुल टूटा हुआ है, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने कोई रिजेक्शन अपनी लाइफ में देखी है, तो क्या होता है कि भाई काफ़ी बार रिजेक्टेड आदमी या टूटा हुआ, जिसका दिल टूटा हुआ, वो क्या है पोइट्री वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रोज है जो है, जो इतने लंबे लंबे उसके पीस लिखने होते हैं, दैट इज़ कैन नॉट बी डन बाय दैट पीपल। तो क्या करते हैं कि भाई जब हम कोई प्रोज लिखने सेट बैठते हैं, तो मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोज पीस, एक नई फ्रेश कॉपी यानी कि बिल्कुल नया प्रोज तैयार करना, फिर उसको वो जो लोग हैं वो क्या करते थे, सेंड्स इट ऑन द अनदर एडिटर, दूसरे किसी एडिटर के पास भेज दिया जाता था उसको इनक्लोज करने के लिए जो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि जो उसने लिखा है। इट वॉज सच फॉर सच पीपल दैट हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टीनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज। A short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter. अब ब्रिटिश के लोगों के द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है द एनकाउंटर। ऑफकोर्स द एनकाउंटर वॉज नॉट ए नॉन कॉमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेरी, क्योंकि जेमिनी के जितने पोइट्स थे, एजुकेटेड लोग थे, उनके बीच वो लोग इस द एनकाउंटर इस चीज़ को नहीं जानते थे। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। तो कहते हैं कि वो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लैंड भेजने से पहले एक आइडिया यानी कि उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करना चाहता था, एक आइडिया लेना चाहता है। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड an entrance with no long winded sign board and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. कि भाई आजकल जो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो है उसके बाहर कोई बड़े बड़े साइन बोर्ड वगैरह notices नहीं है, जिससे आपको ये फील होगा कि दैट यू आर स्निकिंग, कि आप स्निक में सोच जाते ना किसी फॉरबिडन एरिया में अंदर घुस रहे हैं। फॉरबिडन होता है कि मैं जहाँ पर जाने की मनाही हो। And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कॉपीज हैं, ऐसे बुक हैं जो कि ऑलमोस्ट अनटच है, यानी कि किसी ने आज तक उनको टच नहीं किया है लाइब्रेरी के अंदर। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. कि भाई जैसे वो दिल में घंटियाँ बजना है ना, तो जब जैसे ही उसने राइटर का एडिटर का नाम पढ़ा, तो जैसे ऐसा लगता है कि मानो उसके दिल में घंटियां से बज रही हूँ। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज। ये वही पोएट था जो कि जेमिनी स्टूडियो में जिसने विजिट की थी। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सील द
एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। और भाई जैसे ही उसने उसका नाम पढ़ा तो वो उसको इतनी खुशी हुई जैसे उसने कोई अपना पुराना खोया हुआ भाई उसको मिल गया हो। फिर उसके उसने अपना एक जो सील एनवलप था उसको खोला एंड एनवलप को सील किया और उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन दैट वॉज हिज नेम। अब जो पोइट जो है उसका नाम क्या था भाई, स्टीफन था। और क्या कहते हैं कि भाई स्टीफन भी उसको पोइट राइटर को लगता है कि स्टीफन भी उस टाइम पर वही सॉन्ग गा रहा होगा जो उसने गाया है। एंड ऐसा लगता है जैसे दो दो भाई काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो कि खो गए हों। एंड कि एक तो फर्स्ट रील में ही स्टार्टिंग मूवी की स्टार्टिंग में ही और स्टार्टिंग के एंडिंग में वो दोनों सेम सॉन्ग गा रहे हों। एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जर्मनी स्टूडियोज आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी। अब जब वो जर्मनी स्टूडियो से बाहर आ चुका था यानी कि वहाँ पर उसने काम करना बंद कर दिया था तो राइटर कहता है कि भाई मेरे पास टाइम तो बहुत था लेकिन पैसे नहीं थे। एनी थिंग एट ए रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। और एनी थिंग एट ए रिड्यूस प्राइस कि भी किसी भी कीमत पर उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट करती थी बहुत कुछ भी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देर वॉज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स और 50 ईच पैसा ईच। कि भाई मद्रास का जो माउंट रोड पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर ब्रांड न्यू बुक्स थी, ठीक है, उस रोड के ऊपर कोई स्टॉल वगैरह लगा होगा तो उस बुक की हर एक बुक की कीमत जो थी वो दैट वॉज 50 ईच। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ एन अमेरिकन ओरिजिन। कि वो सब एक्चुअल में क्या थी, एलिगेंट पेपर बैक अमेरिकन ओरिजिन की बुक थी सेम। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट्स एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन की 50th एनिवर्सरी होने के कारण स्टूडेंट के लिए उसको स्पेशली लो प्राइस पर रखा गया था। आई पेड 50 एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक। तो राइटर ने क्या किया, अपने पैसे दिए और एक बुक उठाई, द गॉड दैट फील्ड, द गॉड दैट फील्ड ये बुक का नाम था। Six eminent men of letters in six separate essays described. छह बड़ी बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज को इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किया गया था, देयर जर्नी इन टू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न। कि भाई उनकी जो जर्नी थी जो उनका लाइफ था उनके बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया। एंड्री गेट जब ये राइट उन सिक्स पर्सन्स के नेम हैं जिनको डिस्कस किया गया है, एंड्री गेट, रिचर्ड राइट, इग्नेसियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिस्टर एंड स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रेमेंडियस सिग्निफिकेंस। और अचानक से उस स्टेफन स्पेंडर का नाम देखते ही वो बुक उसको एकदम से और ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगने लग जाती है, इम्पोर्टेंट लगने लग जाती है। स्टेफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जर्मनी स्टूडियोज, कि वही पोएट जो कि जर्मनी स्टूडियो के अंदर आया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई हेजी इल्यूमिनेशन। कि वह एकदम से ऐसा लगता है जैसे उसके अंधेरे दिमाग में कुछ बत्ती या कुछ लाइट सी जल जाती है। द रिएक्शन ऑफ द स्टीफन स्पेंडर एट जर्मनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। अब स्टीफन स्पेंडर के जो रिएक्शंस थे जर्मनी स्टूडियोज के अंदर अब वो उसके लिए मिस्ट्री नहीं रह जाते हैं। द बॉस ऑफ द जर्मनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड। क्या कहता है कि भाई जो जर्मनी स्टूडियो का जो बॉस था मे बी उसको स्पेंडर की पोएट्री से कुछ लेना देना नहीं था बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड, लेकिन जो उसकी बुक थी द गॉड विद दैट फील्ड उसके साथ भी परंतु उसके साथ भी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर ही आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।